कई दिनों से फरार चल रहे गरीबों खाने वाला पीडीएस चावल तस्कर को खनवाड़ी ओपी पुलिस ने धर दबोचा। मेडिकल जांच कराने के बाद भेजा गया जेल। धनवाड़ी ओपी ने अवैध पीडीएस चावल तस्करी के फरार आरोपी भाग गिरिवान पट्टी निवासी विजय गर्ग को धनवाड़ी पुलिस ने शुक्रवार को बलियापुर स्टैंड के समीप गुप्त सूचना के आधार पर धर दबोचा। आपको बता दें कि 28 फरवरी को पीडीएस से भरा एक वाहन को पकड़ा गया था, जिसमें सम्मिलित भागा गिरिवान पट्टी निवासी विजय गर्ग का नाम सामने आया था। वहीं धनवाड़ी पुलिस के द्वारा जिसका कांड संख्या 21/22 मामला दर्ज किया गया था। मालूम हो कि विजय गर्ग पिछले कई दिनों से झरिया सहित अन्य क्षेत्रों में पीडीएस चावल की अवैध तस्करी में संलिप्त है और अवैध चावल तस्करी के मामले में फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाया और शुक्रवार को बलियापुर स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया, जिसका मेडिकल जाँच कराने के बाद सुबह जेल भेज दिया गया। जी, उनका 3 बार नोटिस दिया गया था। उन नोटिस का कोई मैंने निष्कर्ष ने निकाला, अनदेखा कर दिया था, बाद ये होके हम लोग को उसको गिरफ्तार नहीं करना पड़ा। किसको नोटिस दिया गया? बीजू अंसारी को। क्या करते हैं बीजू अंसारी? चावल तस्करी पीडीएस का करते हैं, उसको हम लोग पकड़े थे, गाड़ी भी थाना में रखे हुए हैं। कांड संख्या 21/22 है, दिनांक 28/2/22 का है। कितने दिन पहले ये गाड़ी पकड़ाई थी जो है? करीब फरवरी में। फरवरी में के बाद क्या कार्रवाई की गई मतलब स्थानीय थाना के द्वारा? स्थानीय थाना के द्वारा इसमें डायरी लिखा गया, डायरी कोर्ट मांगा किया था, डायरी दिया गया, डायरी के माध्यम से एक दूटों का बेल भी हुआ। और कैसे गिरफ्तारी हुई, कैसे पकड़ाया, वो कैसे पता चला वो बीजू गर्ग है? देखिए, उनको एटरना में उनसे मुठभेड़ हुआ है ना, और पता लगा हम लोग कि फलाने जगह है ना, हम लोग अपने गुरु के साथ गए और उसको पकड़ लिया। क्या चलान कर दिया गया? हाँ, उसको थाना लाया, उसके बाद चलान। और कितने लोग इस मामले में सम्मिलित थे? और इसमें और करीब 2 आदमी और है इसमें। उन दोनों को अभी गिरफ्तारी नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ, लेकिन उनको भी बहुत जल्दी कर लेंगे। हम लोग ऐसा है महेश्वरी।